जय माता दी। दोस्तों दोस्तों माता के नवरात्रे चल रहे हैं, नवमी तिथि है, मंगलवार है। विशेष आपको क्या उपाय करना चाहिए इस वीडियो में ये तो बताने जा ही रही हूँ। इसके साथ ही आपको जो नियमित मैं अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ वो भी आपको देने वाली हूँ। नवमी पर विशेष क्या उपाय करना है अपनी जीवन में चल रही किसी भी समस्या से निकलने के लिए, अगर आप बंधी बंधन में बंध चुके हैं, कोई आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है या आपको कोई जेल इत्यादि की आपको भय लग रहा है, उससे निकलने के लिए इसमें विशेष उपाय देने जा रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। अगर आप मानसिक तनाव से बहुत अधिक जूझ रहे हैं, आपको लगता है कि आपके परिवार में बहुत अधिक कलह का वातावरण रहता है, व्यापार में मन नहीं लगता है या जॉब पर जाने का आपका मन नहीं करता है, तो आपको मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर नियमित करने ही चाहिए। आप करेंगे तो पाएंगे आपका मन शांत रहने लगा है, ऑरा क्लीन होने लगी है, नेगेटिविटी आपकी दूर होने लगी है, मन में प्रसन्नता आने लगी है। तो जरूर करनी है आपको मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर। दोस्तों मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। दोस्तों मैंने वीकली राशिफल संडे से संडे को दिया करूँगी, यानी मंडे टू संडे तक आप उसे देखिए। उसमें एक विशेष उपाय भी दूंगी हर राशि के लिए, अपने राशि का आपको पता है उसके हिसाब से, या फिर अपने नाम के अक्षर से भी आप उस उपाय को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि मैं नियमित आपको देती हूँ, आपको क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारा मन चंद्रमा के अधीन होता है। हमारा मन बहुत जल्दी अशांत हो जाता है, छोटी-छोटी बातों से घबराने लगता है। चंद्रमा मन का भी कारक होता है, हमारे धन का भी कारक होता है, हमारे लाभ का भी कारक होता है। हमारे अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनको उभारने का काम भी हमारा चंद्रमा ही करता है। तो इस चंद्रमा को बलि करने के लिए आपको नियमित, अगर आप ये जादुई अक्षर अपने हाथ पर लिखना शुरू करते हैं, आपका चंद्रमा दिनों दिन बलि होना शुरू होता है, मन में शांति आने लगती है, भाग्य का आपको साथ मिलने लगता है। 4 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार, आज का राहु काल है 3:40 से 5:10 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:46 से 12:34 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको माता को शहद का भोग लगाना है, दूध का भोग लगाना है, साथ में खीर का भोग लगाना है। वैसे फिर बाद में आपको छोटी छोटी कन्याओं में बांट दीजिए और खुद भी खाइए। आज का जो जादुई अक्षर है हनुमान वाला हा, इस हा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेंसिल के फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। माता सिद्धदात्री जीवन के सारे सुख देने वाली हैं। आप भी चाहते हैं आपके जीवन में सदैव धन धान्य की वृद्धि होती रहे, परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे, तो इस दिन माता को आप खीर का भोग लगाइए। अपने घर में चाहे आप पूजा करते हो ना करते हो, एक कंडे का उपला लीजिए, उस पर धूप लोबान घी में भीगी हुई लौंग कपूर के साथ में जलाकर माता की इससे धूनी दीजिए और माता की आरती कीजिए, तो माता का विशेष आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्याएं, अगर आपको कन्या अष्टमी नवमी पूजी जाती है तो कन्याओं को भोजन जरूर कराइए। आपके मन में सवाल रहता है कि कितनी कन्याएं? अब इस समय आपको कन्याएं कहीं नहीं मिलती हैं, छोटी छोटी कन्याएं कहीं नहीं मिलती हैं, बड़ी बड़ी कन्याएं मिलेंगी या फिर लड़के मिलेंगे, तो आप एक कन्या, तीन कन्या, पाँच कन्या इस तरह से आप खिला सकते हैं। अब मान लीजिए आपके यहाँ बहुत सारी कन्याएं आ गई, तो केवल जो छोटी उम्र की कन्याएं, यानी 2 साल से लेकर 10 वर्ष की कन्याएं, उन्हें तो आप भोजन कराइए देवी रूप में, बाकी को आप ऐसे ही भोजन कराइए, उन्हें देवी रूप में मत पूजा करिए। उनकी देवी रूप में पूजा करने का आप सभी जानते हैं, तिलक लगाइए, भोजन कराइए, पैर छू लीजिए उनके, साथ में उन्हें उनकी ज़रूरत की वस्तुएँ, आप बच्चों को हम ज़रूरत की वस्तुएँ देते हैं तो बच्चे बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कॉपी किताबें, उनकी टॉफियाँ हैं, उनके रिबन इत्यादि हैं, ये सारी चीज़ें अर्पित बच्चों को आप दक्षिणा में दीजिए। एक विशेष चीज़ जो आपको बच्चों को देनी है वो 5 रुपये का सिक्का,
₹5 का सिक्का जरूर दीजिए और साथ में खट्टी मीठी टॉफियाँ जो कि पार्ले जी की आती हैं वो, ये दो चीज़ें आपको बच्चों को जरूर देनी चाहिए। इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होता है, साथ में केतु की पीड़ाएं आपकी शांत होती हैं। तो दो चीज़ें बच्चों को जरूर दीजिए, आप जो भी देना चाहते हैं वो दीजिए। इसके अलावा मंगलवार है, हनुमान जी का दिन भी है। हनुमान जी को बटुक वीर कहा जाता है। माता के मंदिर के बाहर आपने देखा होगा बटुक भैरव बटुक वीर का चित्र लगा रहता है, आपने मूर्तियाँ देखी होंगी। तो हनुमान जी को इस दिन विशेष रूप से आपको चोला जरूर चढ़ाना चाहिए, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित, जो हनुमान जी का सिंदूर होता है उसे चमेली के तेल में घोलकर अर्पित किया जाता है। हनुमान जी के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक, एक बड़े से गुड़ के टुकड़े के ऊपर दो बूंद देसी घी और एक तुलसी का दल रखकर आप इसका भोग हनुमान जी को लगाइए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, साथ में राम रक्षा स्त्रोत का भी पाठ कीजिए। अब अगर कोई कोर्ट केस में फंसा हुआ है या कोई बंधी बंधन यानी कि जेल जाने की नौबत आ गई और उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो इस बंधन से कैसे छुटकारा पाए, आप एक ताला ले जाइए। आपको इसको चेक नहीं करना है, ताला मार्केट से खरीदिए, बिना खोले ही ताला ले जाइए और इस ताले को आपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी भी हनुमान मंदिर में आप इसको रख कर चले आइए। हनुमान जी के चरणों में भी रख सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। वहाँ पर आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी की आपको 11 परिक्रमा करनी है, हनुमान जी की आप प्रदक्षिणा जिसको बोलते हैं 11 प्रदक्षिणा कीजिए। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि वो इस बंधी बंधन से आपको मुक्ति दिलाएं, जो आपके लिए जो योग बन गया है उस योग का भंग हो जाए और आपको किसी तरह से भी सुरक्षा मिल जाए। लेकिन दोस्तों अगर आप गलत हैं, आपने कोई बड़ा अपराध किया और आप उस आपको दंड मिल रहा है, तब ये उपाय आपके लिए काम नहीं करेगा। आप निर्दोष हैं, आपको बेवजह फंसाया जा रहा है, तब ये उपाय आपके लिए तुरंत काम कर जाएगा। आप इसको उपाय को करेंगे तो आपको तुरंत राहत की, आपको कहीं ना कहीं से आपको आपके लिए राहत चलकर आएगी ही आएगी। ये प्रयोग जरूर कर लीजिएगा, जिससे भी इस तरह का कोई भी बंधी बंधन दिखाई दे रहा है या कोर्ट केस में फंस चुका है या कहीं किसी प्रॉपर्टी के विवाद में फंसा हुआ है, वो भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपके बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रयोग को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 2 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। अपनी किसी निजी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का, ये पेड सर्विस है दोस्तों। इसके अलावा कमेंट के माध्यम से कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, साथ में एक क्वेश्चन। रैंडमली सेलेक्ट होने पर संडे वाले वीडियो में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। सदैव दोस्तों पॉजिटिव रहना चाहिए, जब हम नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो हर चीज़ में हमें ना ही दिखाई देती है, ये ना हमारे हर कार्य को बिगाड़ना शुरू कर देती है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा समझिए, अच्छा ही सुनिए, अच्छा ही बोलिए, तो जीवन में आपके जो आपके कष्ट के समय हैं वो भी आपके धीरे धीरे आपके खत्म होना शुरू हो जाते हैं और आपको उनसे शुभता मिलने लगती है। दोस्तों कल मैं आपको एक ऐसा विशेष वीडियो देने जा रही हूँ, दसवीं तिथि पर यानी विजयदशमी पर। आपको भी लगता है कि आपके परिवार में कोई नहीं सुनता है, पत्नी है वो या पति है वो, उनको लगता है कि आपका परिवार में कोई आपके कोई बकत जिसको हम बोलते हैं वैल्यू नहीं है, वो उपाय आपको विजयदशमी वाले दिन जो मैं आपको टाइम मुहूर्त बता रही हूँ उस समय आपको जरूर करना है। वीडियो जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।